धन्यवाद की एक ऐसी शख्सियत की जिसका नाम है अरशद बिसरू। दोस्तों ये नाम लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में धड़कता है और इस वक्त 5 लाख परिवार अरशद बिसरू को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि उन्होंने जब भी कुछ नया गाया था वह समाज के प्रति बेहतर गाया था, और इतना ही नहीं पत्रकार बने तो उन्होंने देश हित और मेवात हित में बेहतरीन खबरें लगाई, इसलिए आज उनकी एक अलग पहचान है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह अरशद बिसरू का हेड ऑफिस है। इसके अलावा भी अरशद बिसरू का न्यूज रूम तैयार है। इन दिनों कुछ गंदी मानसिकता के चंद मुट्ठी भर लोग अरशद बिसरू का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे विरोध उसी शख्स का किया जाता है जो शख्सियत बन जाता है। यही तो अरशद बिसरू की कामयाबी की पहचान है। मेवात का महान गजल गायक तथा बेहतरीन पत्रकार है। चलते चलते आपको बता दें अरशद बिसरू की जल्द ही बेहतरीन गजल रिलीज होने वाली है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। थर थर कांपे थे अंग्रेज भागे छोड़ के कुर्सी मेज, थर थर कांपे थे अंग्रेज भागे छोड़ के कुर्सी मेज। भगत सिंह ने असेंबली में जब गोला मारा रे, वीर सूरमा नामी था ना कभी किसी से डरता था, मारना और मरने को भी हर दम तैयार रहता था। रग रग में वक जोश भरा चुपचाप कभी ना बैठा, दुश्मन को खूब सुधारा, भगत सिंह ने असेंबली में जब गोला मारा रे। प्यारे दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।